नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आज किस नए एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जो छात्र हैं उनके लिए जो आज की लेटेस्ट और नई अपडेट निकल के आ रही है इसके बारे में। सारी अपडेट और सारी जो बड़ी अपडेटें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपको ये अपडेट जानना ज़रूरी हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो। तो सिर्फ 2 ही 3 मिनट की वीडियो और आप लोगों को आसानी से जो आज की अपडेट निकल के आ रही है वो जानकारी हो जाएगी आप लोगों को। चलिए बढ़ते बिना देरी के वीडियो में पहली और बड़ी अपडेट की ओर। जो पहली और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है राजस्थान के छात्रों के लिए आ रहे, राजस्थान के जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की कटऑफ जारी। ये सबसे पहली और बड़ी अपडेट है। अब दूसरी और अपडेट हम पढ़ेंगे, पहले इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। लिखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज ने पहली कटऑफ लिस्ट जारी कर दी। कोरोना के चलते 12वीं में सभी बच्चों को पास करने का अक्सर कटऑफ, और इसमें आगे कुछ लिखा है यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। और लिखा है कि महाराजा कॉलेज में बी एस सी फिजिक्स ऑनर्स जर्नल की कट ऑफ 100% फीसदी गई है। लगभग सभी कोर्सेज में जर्नल की कट ऑफ 95 के पार ही रही। तो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कट ऑफ के बारे में, राजस्थान के कॉलेज कट ऑफ के बारे में, तो आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर पूरी न्यूज़ डाल देंगे, आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। ठीक है, अगली जो बड़ी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो लगातार ये अपडेट हम आप तक प्रोवाइड ही कर रहे हैं, जैसे भी कोई अपडेट आती। लिखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेकावटी विश्वविद्यालय की ओर से इसमें लिखा है कि आवश्यक सूचना, स्वयं पाठी छात्रों हेतु प्रगति की जो परीक्षण शुल्क जमा करने की दिनांक है वो 1/9/2021 से 4/9/2021 की जाती है, यानी कि आज लास्ट डेट थी जो कि छात्रों को शुल्क जमा करने की। फिलहाल जो छात्र नहीं जमा कर पाए वो अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं कि आज ही अपडेट आया। और उसमें दूसरी अपडेट ये है कि BA BSc BCOM की जो पार्ट सेकेंड ईयर की जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षाएँ वो 2 सितंबर 2021 से आरंभ हो चुकी हैं। छात्र में उक्त परीक्षा 2 सितंबर से होनी थी, ठीक है, प्रारंभ होनी थी, वो अब 9 सितंबर से कंडक्ट कराई जाएंगी। ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई। और PG वाले जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षा 9 सितंबर से कंडक्ट कराई जानी थी वो 17 सितंबर से कंडक्ट कराई जाएंगी, यानी कि एग्ज़ाम की डेट में बदलाव हुआ है। ठीक है, जो UG वाले छात्र हैं उनकी जो 9 सितंबर से होंगी, जो PG वाले छात्र हैं उनका 17 सितंबर से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी आप लोगों को यहां पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये मेन पॉइंट था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट को। जो अगली बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि राजस्थान के छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें इसमें कि राजस्थान विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं जो रह गई थी सेकेंड ईयर की, कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज करा रहे हैं तो वो परीक्षाएं पोस्टपोन्ड कर दी गई क्योंकि कुछ परीक्षाएं थी सरकारी, इसकी वजह से। यहाँ पर लिखा परीक्षाओं की नई तारीख घोषित करेगा विश्वविद्यालय प्रशासन, यह निर्णय 18 सितंबर को होने वाली PTET परीक्षा 11 सितंबर को संस्वतश्री के अवकाश और 13 से 16 सितंबर तक होने वाली SI सहित कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण लिया है, जिससे विद्यार्थी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके। ठीक है, तो ये जानकारी आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 8 सितंबर 2021 से 11 सितंबर 2021 के साथ ही 13 से 16 सितंबर तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इनमें UG PG व्यावसायिक और सेमेस्टर के नियमित पूर्व बहुत स्वयं पाठी परीक्षार्थी भी शामिल है, और इसके लिए जल्दी ही नई तारीख घोषित करेगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर नई तारीख की बात कही गई है लेकिन अभी घोषित नहीं कही गई। आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।